अब अपन पहले करेंगे जेनर डायोड। जेनर डायोड में दो चीजें करना है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। पहले अपन फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करना है, P2 पॉजिटिव ऑफ द बैटरी और N2 अमीटर का पॉजिटिव, अमीटर का नेगेटिव टू बैटरी का नेगेटिव। ये हो गया जनरल सर्किट। अब अपन को वोल्टमीटर जोड़ना है, वोल्टमीटर का पॉजिटिव तो बैटरी का पॉजिटिव और वोल्टमीटर का नेगेटिव टू बैटरी का नेगेटिव। और अपन को सर्किट चालू कर दिया ये अपन ने, और इसको अपन ने क्या फॉरवर्ड इसमें 1 वोल्ट पे इसको सेट किया, इसको 10 mA पे सेट किया और अपन ने धीरे धीरे अपन करंट बढ़ाते जाएंगे, धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे, ये करंट यहाँ से बढ़ता है 8 वोल्ट से, 8 वोल्ट से करंट लगभग बढ़ता 0.8 से। ये फॉरवर्ड बायसिंग, हो गया। रिवर्स, अब रिवर्स बायसिंग करना है। रिवर्स बायसिंग में ये अब देखो, अब रिवर्स बायसिंग में क्या करना है अपन को, नेगेटिव ऑफ द जेनर, जेनर का बंद कर दो वीडियो। अब अपन को करना है रिवर्स बायसिंग ऑफ द जेनर डायोड। रिवर्स बायसिंग में क्या करना है, रिवर्स बायसिंग यानी N2 पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ जेनर डायोड यानी पी जंक्शन को सीधे पॉजिटिव ऑफ अमीटर से जोड़ा, फिर नेगेटिव ऑफ अमीटर जोड़ दिया अपन ने बैटरी से, और जो अपना वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, वोल्ट मीटर का नेगेटिव टू नेगेटिव ऑफ द बैटरी। अब अपन ने चालू किया ये अपना वोल्ट, ये अपन ने इस अभी पहले फॉरवर्ड बायसिंग में 1 वोल्ट पे किया था, और रिवर्स बायसिंग में अपन ने इसको 10 वोल्ट पे कर लिया, ये इसको 10 mA पे रहन दिया। तो इससे अपन को देखेगा ये अपन वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, करंट कांस्टेंट जा रहा है, फिर करंट 4 से लगभग ये और ये 5 वोल्ट के लगभग करंट बढ़ने लगता है और करंट पूरा जेनरेटर ब्रेक डाउन हो जाता है।